कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अब जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। तैयारियों को परखने के लिए ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट की मॉक ड्रिल की गई। खंडवा में फिलहाल 2600 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट की मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल में प्रदेश के वन मंत्री और दूसरी लहर में खंडवा बुरहानपुर जिले के कोविड प्रभारी बनाए गए मंत्री विजय शाह भी पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का नया वेरिएंट आने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बुधवार को अस्पताल परिसर में तैयार प्रधानमंत्री केयर फंड के 1000 लीटर प्रति मिनट एनएचडीसी के 1200 लीटर प्रति मिनट और पहले से बने 400 लीटर प्रति यूनिट ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट की मॉक ड्रिल की गई। इसके साथ ही मंत्री विजय शाह, विधायक देवेंद्र वर्मा ने सीएमएचओ मेडिकल कॉलेज डीन और अस्पताल प्रबंधन के साथ सेंट्रल लाइन सिस्टम में मेडिकल कॉलेज के ए और बी ब्लॉक में सप्लाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम के प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों के पुख्ता दावे होने की बात कही है। देखिए, हमारा प्रशासनिक अमला, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और हम लोग, वो सब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव के साथ साथ बहुत अलर्ट हैं। पूरा प्रशासनिक अमला आप देख रहे हैं, मेडिकल का भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद होना चाहिए। ऑक्सीजन की जो समस्या से पिछले समय तकलीफें हुई थी वो ना हो। ऑक्सीजन प्लांट चालू है, नहीं है, चौथी मंजिल पर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और दूसरी आवश्यक दवाइयाँ, उस समय तो कुछ दवाइयाँ भी नहीं थी, टीका भी नहीं था। टीकाकरण तेज़ी से हो और हर आदमी दो डोज लगाए, और जो बिना दो डोज लगाए हैं वो ना सार्वजनिक कोई भी जगह पर हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमें शंका हो रही है तीसरे लहर की, हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ इस लहर को रोकने के लिए लगे हुए हैं। सिविल सर्जन ओपी जुगतावत ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए मेडिकल स्टाफ मुस्तैद है। कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ भी पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के लिए दवाइयां और अन्य सामग्री की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से यहाँ पर 3 प्लांट चलाए जा रहे हैं। एक प्लांट 400 LPM का है, दूसरा 1200 LPM का है, एक 1000 LPM का है। इस प्रकार जो है सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के साथ हमारा जिला चिकित्सालय संयुक्त मेडिकल कॉलेज जो है तीसरी लहर के लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा कोई भी एक चीज़ कोविड की आती है तो हम लोग उसमें लड़ने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी ने निरीक्षण किया, उसमें उन्होंने संतोष व्यक्त किया है और सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है कि आप लोग पिछली बार जिस लहर में काम किया था उसी मुस्तैदी के साथ इस लहर में भी काम करें, जिससे जिला चिकित्सालय खंडवा का नाम मध्य प्रदेश में बना है ऐसा बना रहे। सामग्री, औषधि, इक्विपमेंट, औजार, वार्ड सब तैयार हैं, और इसके अंतर्गत यदि कोई ऐसा केस मिलता है तो पीपी किट वगैरह भी सब हमारे पास तैयारी मुस्तैद है। टेस्टिंग की जा रही है फीवर क्लिनिक के अंदर, और अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो टेस्टिंग पहले कम की जा रही थी उसको बढ़ाकर 70 से 75 हज़ार पूरी की जानी है, जिससे टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी केस को हम पकड़ने में सक्षम रहेंगे। वो तत्काल उसका इलाज करेंगे, उसको क्वारंटाइन करेंगे, और वो वेव जो फैलती है उसको फैलने से रोकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अब तैयारियां भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, खंडवा।